नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, फिर से आ गई नवरात्रि, नव दुर्गा। साल में चार नवरात्रि होती हैं, जिसमें से चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का बड़ा महत्व है। तप करने के लिए चैत्री नवरात्रि, चैत की जो नवरात्रि होती है, बहुत अच्छी होती है। और जो शारदीय नवरात्रि आती है, इसमें आप भजन कीर्तन करें, घर में जवारे लगाएं, माता रानी की सुबह शाम आप दिया बत्ती करें, घर का माहौल स्वच्छ रखें, खुद भी स्वच्छ रहें, माता रानी को नई नई चुनरियाँ वार के अनुसार आप अर्पित करें, खुद भी वार के अनुसार अगर आप कपड़े पहनते हैं, आपकी किस्मत दोस्तों चमक जाएगी। नवरात्रि की सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार के दिन से शुरू हुई। जो कलश मुहूर्त का समय है, 11:44 से 12:30 तक, मतलब 12:30 तक जो समय है, बहुत अच्छा समय है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्थापना कर देनी चाहिए, ताकि पहले दिन से ही अनुष्ठान शुरू हो जाए। क्योंकि अनुष्ठान का एक ये नियम होता है कि जो समय पहले दिन आप अनुष्ठान में बैठते हैं, आपको लास्ट दिन तक उसी समय अनुष्ठान में बैठना होता है, बराबर। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्थापना कर सकते हैं। जो लोग धन के लिए पूजा कर रहे हैं, वे लोग पीले कपड़े पर माता रानी की स्थापना करें। जो व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा कलेश रह रहा है, उसे दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो हरे कपड़े पर माता रानी की स्थापना करें। जो जिनके घर में कोई ऐसा केस है, जैसे कई लोग कॉल करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो सफ़ेद कपड़े पर करें। मैं बताती हूँ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी भी डावाडोल है, आप जरूर उसे मोती पहनाएं और वाइट क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनाएं। मानसिक स्थिति में बहुत फर्क पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको करंट करके यूज़ करनी है। अगर आपने करंट करके किए बिना के यूज़ की, आपको वो इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देगा जो इफ़ेक्ट दिखाई देना चाहिए। पहले ही दिन आप जवारे लगा दें। आप एक गमले में शुद्ध मिट्टी ले लें। मिट्टी में आप गाय का गोबर सूखा हुआ मिक्स कर सकते हैं, और आप जौ लगाएं या फिर 7 प्रकार का अनाज आप जवारे में लगा दें। माता रानी की स्थापना करने के लिए आपने जो भी कलर का कपड़ा पसंद किया है, उस कपड़े के ऊपर माता रानी की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड आपको कलश की स्थापना करनी है। ये कलश आप तांबे का भी यूज़ कर सकते हैं, पीतल का भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का कलश भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग कलश स्थापना जवारे के बीचों बीच में भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज माता रानी के लेफ्ट हैंड पर आप स्थापना करें। कोई भी अनाज ले लें, पहले आप नीचे अनाज की स्थापना करें। अनाज आप एक प्रकार का भी ले सकते हैं, 7 प्रकार के भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश रखें। कलश के अंदर आप चावल डालें, पुष्प डालें, कुमकुम डालें, 1.25 रुपया डालें या चांदी का एक सिक्का डालें। उसके ऊपर आप नारियल रखें। नारियल को आप चुनरी पहनाएं और चुनरी को आप मोली से बांधें, और जो कलश है, कलश का जो मुंह है, वहां पर भी आपको लाल कलावा बांध देना चाहिए। माता रानी के सामने आप दिया जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, माता रानी को धूप दीप अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। जो लोग अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भी इसी तरीके से स्थापना करनी है। जो व्रत उपवास कर रहे हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी स्थापना इसी तरीके से करनी है। विसर्जन वाले दिन, मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से शुरुआत हो रही है माता रानी की, रविवार के दिन से, और जो विसर्जन का दिन है वो मंगलवार है, 24 तारीख है। तो 24 तारीख मंगलवार के दिन आप दशहरे वाले दिन विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।